हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया, आज हम सीखेंगे 24x40 का यानी 24x40 का घर का प्लान और उसका 3D डिज़ाइन देखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो डिज़ाइन है ये मोस्टली मैंने बनाया है कि अगर दो अलग अलग फैमिली रहती हैं उसके लिए हो सकता है ये, या फिर आपको भाड़े पर देना है तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं इसे। ठीक है गाइस, तो जैसे कि हमने पहले प्लिंथ बना लिया है, सेकंड ये हमारी वॉल्स मैंने बना दिए। पहले आपको समझाने के लिए मैंने ये वॉल्स बना दिए। सो गाइस, हम इसके टॉप व्यू में से मैं आपको पहले इसका प्लान दिखा देता हूँ। ओके, सो टॉप व्यू हियर। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारा एंट्रेंस यहाँ से, ग्राउंड फ्लोर के लिए एंट्रेंस आप यहाँ से है। जैसे कि ये आप हैंड देख सकते हैं, यहाँ से एंट्रेंस इसकी है, यहाँ से एंट्रेंस इसकी है। ठीक है गाइस, एंट्रेंस हो गई आपका। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा हॉल आ जाएगा, जिसका आपका लेंथ रेट है 11 फुट बाई 10 फुट का आपका ये हॉल हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट साइज है, बिल्कुल परफेक्ट साइज है। उसका वेंटिलेशन के लिए आपके यहाँ फ्रंट में विंडो आ जाएगी जो कि आपके सामने से। और मेन इसका एक प्रॉब्लम ये कि ये एक रो हाउस है, प्रॉब्लम नहीं, मीन्स इसके जो प्लॉट है हमारा वो रो हाउस है, जो कि तीनों साइड से पैक्ड है। बाजू में भी हमारा, ये तो मैंने ऐसे बाजू में एक पार्किंग रख दिया है, पर बाजू में भी हमारा घर है, इस तरफ भी घर है और पीछे भी जब घर रहेगा तो आप ये प्लान बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, सो ये फ्रंट में देख सकते हैं आप, ये फ्रंट में गए सबसे पहले, तो आपका ये आपका बिल्कुल फ्रंट हो गया है। ये अभी 12x40 का एक बनेगा और दूसरा भी 12x40 का एक बनेगा। तो फ्रंट में जाने के बाद आपका सबसे पहले ये एक यहाँ पे आपका डोर आएगा और ये आपकी विंडो आ गई है। तो ये आपका बन गया हॉल, जो कि परफेक्टली साइज का हो गया है, इसके वेंटिलेशन के लिए हो गया। फिर उस साइड भी आपका सेम यही है। फिर आप आगे गए, आगे जाने के बाद आपका आया किचन आया, जो कि लेंथ इसकी 11 फुट है, उसमें से 3 फुट आपका पासिंग स्पेस है, तो वो इतना यूज़फुल नहीं है, फिर भी मैंने उसे 11 फुट दिखा दिया। 11 फुट बाई 7 फुट, ये इसकी जो ब्रेथ है वो 7 फिट है एंड 7 फुट है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। और किचन के वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये बीच में डग बनाया हुआ है, ये जो है यहाँ पे आने का जाने का रास्ता नहीं है, मीन्स वेंटिलेशन डग या OTS बोल सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, OTS है। ओके, सो गाइज, ये आपका हो गया है OTS। ठीक है, ये जो कि मैंने बीच में ये OTS दे दिया है, इसके मैंने मेजरमेंट रखी है जो कि यहाँ है टोटल 6 फिट 6 इंच, यानी वहाँ भी आपका 3 फिट हो जाएगा, एक तरफ आपका 3 फिट हो जाएगा, यहाँ और यहाँ 3 फिट हो जाएगा, यहाँ 3 फिट, यहाँ 3 फिट हो जाएगा। और यहाँ आप देखें तो मैंने इसे लिया है 5 फिट 6 इंच, इतना लिया है। ठीक है गाइस, तो ये OTS आपका बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। किचन में आपको वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है, किचन हमारा इतना बड़ा बना, इतना बढ़िया यहाँ किचन आपका, यहाँ सामने प्लेटफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका फ्रिज हो गया या यहाँ फ्रिज हो गया है, और आपको कुछ एक्सेसरीज रखना है तो आप इस वॉल पे बना सकते हैं, सामने वॉल पे बना सकते हैं, और सामने आपको एक्सेसरीज रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, और इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे जो कि ये प्रोवाइडेड है विंडो, जो कि आपकी थोड़ा अपसाइड प्रोवाइडेड हो जाएगी, जिससे आप कुछ कचरा ना फेंक सके, क्योंकि OTS में कचरा नहीं फेंके और आने जाने का रास्ता भी नहीं है, इसलिए तो आपका ये अपसाइड रहेगा जो सिर्फ वेंटिलेशन के लिए काम आएगा और कुछ नहीं। और आप इसे अंदर झांकना उकना मतलब मीन्स और कुछ यूज़ नहीं, वेंटिलेशन के लिए आपके जो एयर है वो अच्छे से पास हो। फिर आप यहाँ से आगे जाए, ये 3 फिट का मैंने यहाँ डिस्टेंस छोड़ा है, पासिंग 3 फिट सबसे बेस्ट है। फिर बाद हम यहाँ आगे गए तो यहाँ गए, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ आगे गए, फिर यहाँ से आता है ये वॉशरूम। ये हम ऊपर टॉप से देखते हैं, ये हो गया वॉशरूम प्लस बाथरूम मिक्स आएगा आपका, जो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपका WC हो जाएगा, यहाँ बाथरूम हो जाएगा, क्योंकि 4 फिट बाय 6 इंच है, यहाँ हमारा 4 फिट है और ये 6 इंच है, बिल्कुल परफेक्ट साइज है, स्टैंडर्ड साइज है। और इस तरह के हाउस में मोस्टली आपको ऐसे मिलेगा WC प्लस बाथ, क्योंकि आजकल ये कॉमन चल रहा है, मतलब एक ट्रेंड है हमारा, WC प्लस बाथ ही रहता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट साइज है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमारा ये वेंटिलेशन हो गया WC प्लस बाथ का, देख सकते हैं आप, ये हो गया इसका वेंटिलेशन। ठीक है, WC प्लस बाथ के बाद हम आगे चले तो हमारा आया बेडरूम, जो कि यहाँ पे इसका डोर आएगा, फिर डोर है तो यहाँ पे हमारा गया बेडरूम आ गया, जो कि 11 फुट बाई 9
11 फुट बाय 9 फुट है, मीन्स 11 फुट बाय 9 फुट है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। उसके वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस है आपका। तो सबसे पहली बात है, अगर यहाँ मेन डोर खुला है तो आपके बिल्कुल, अगर वहाँ से कोई हवा आ रही है तो बिल्कुल सीधा आपका रूम तक आएगी। और आपको कुछ वेंटिलेशन चाहिए तो यहाँ पे विंडो प्रोवाइडेड है, छोटी सी विंडो ऊपर प्रोवाइडेड है, 2 फीट की विंडो ऊपर प्रोवाइडेड है, जो कि हाइटेड पे है आपके कम से कम 6 फीट अप। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा और आपका वेंटिलेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो गाइस ये हमारा एक साइड का पूरा हो गया प्लान, सेम हमने इस साइड प्लान बना लिया है और ये डग ऊपर तक कंप्लीट किया है। तो एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ टॉप व्यू में कि आप बिल्कुल परफेक्टली इस प्लान को देख सके। बिल्कुल परफेक्ट प्लान है 12x40 फीट के लिए, और आपका अगर 24x40 फीट है जिसमें आपको दो बनाना है, दो फैमिलीज रहती हैं या भाड़े पे देना है, तो उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसके व्यूज देख लीजिए। नाउ इसमें मैंने डोर प्रोवाइड कर दिया है, विंडो प्रोवाइडेड कर दी है, ये आप देख सकते हैं ये डोर प्रोवाइडेड हो गया, ये विंडो हो गई है। हमारा सिर्फ डोर यहाँ फ्रंट में एक डोर आएगा, ठीक है, और एक ये विंडो आएगी, यहाँ पे ये ओपन रहेगा। ओके नाउ यहाँ पे एक हमारी ये जो ये विंडो नहीं आएगी, आपकी जो वॉशरूम लगती है वो विंडो डाल सकते हैं, या फिर आप उससे ओपन स्पेस भी रख सकते हैं, पर वो जो क्रॉस विंडो आती है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, फिर ये आपका ओपन रहेगा। फिर आप यहाँ पे आए तो यहाँ बेडरूम का एक डोर आ जाएगा, बेडरूम का डोर आ गया है, और उसके बाद आपका ये बाथरूम और टॉयलेट का ये यहाँ पे एक आपका डोर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे एक डोर आ जाएगा, यहाँ बेडरूम का डोर आ गया है। ओके ये भी हमारा इनसाइड खुलेगा, और ये भी हमारा ये इस तरफ से इनसाइड खुलेगा जो कि वॉल की तरफ, ठीक है गाइस। वैसे ही सेम हमारा इस तरफ भी है, ओके ये डोर और विंडो के साथ कम्प्लीट हो गया है। नाउ हमारा ये स्लैब आ गया है, इसका स्लैब आ गया क्योंकि हमने ये खाली ग्राउंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर भी इसमें बनाया है, तो ये हमारा अभी ग्राउंड फ्लोर हो गया, बाद में फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। स्लैब आ गया है, उसके बाद ये स्टेयर्स है आपको अपसाइड जाने के लिए, तो हमारे ये 6 फीट है, 3 फीट की स्टेयर्स है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेयर्स है। आप यहाँ से जाइए, इसमें यहाँ से ऊपर जाइए, और आपको यहाँ से वेंटिलेशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको, मैंने दोनों तरह की स्टेयर बना दिए क्लाइंट के लिए कि जैसे उसे परफेक्ट लगे, जैसे आप इसमें यहाँ से आपको अपसाइड जाना है, ऊपर जाना है, तो यहाँ से आप ऊपर गए, यहाँ प्लेटफॉर्म है, फिर यहाँ से ऊपर गए, तो इसके वेंटिलेशन में हमारा ये हाफ विंडो इतना आ जाएगा। और इसमें अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो आप यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से मीन्स आपको ऊपर चढ़ने की जगह है, तो यहाँ से आप ऊपर गए, फिर प्लेटफॉर्म, फिर ऊपर गए, तो यहाँ पे आपको फुल विंडो मिलेगी। तो मेरे हिसाब से मैं जो प्रेफर करता हूँ वो इसे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वेंटिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे लिए। अगर आप घर में रह रहे हैं तो वेंटिलेशन है ना, तो उससे आप माइंड फ्रेश होता है। ओके सो नाउ ये हो गया, अब हमारा इसका व्यू देख लीजिए आप। नाउ इसका सेकेंड फ्लोर, ओके सेकेंड फ्लोर है जो कि हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ से हमारे एंट्रेंस भी यहाँ पे गए हम, जैसे नीचे इसका मैं आपको टॉप व्यू दिखा देता हूँ, टॉप व्यू। ओके नाउ आप देख सकते हैं जैसे नीचे था वैसा ही है, यहाँ से हमने एंटर किया, यहाँ पे हॉल, यहाँ किचन, यहाँ WC और बाथरूम, और यहाँ बेडरूम, बिल्कुल सेम मैंने प्लान ऊपर बनाया है, बिल्कुल सेम, दोनों को कोई कम ज़्यादा प्रोवाइडेड नहीं, बिल्कुल सेम। और डग है जो हमारा वेंटिलेशन के लिए, एक वेंटिलेशन ये हो गया है, एक वेंटिलेशन यहाँ डोर से हो गया, एक वेंटिलेशन यहाँ विंडो से हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। ओके आप देख सकते हैं यहाँ से ये बंद है, पीछे से ही बंद है, और यहाँ से भी बंद है ये। ओके नाउ इसके भी मैं डोर विंडो प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे और ये बेस्ट लगे। ओके इसका स्लैब प्रोवाइड कर दिया है मैंने, स्लैब प्रोवाइड कर दिया है, इसके भी डोर और विंडो प्रोवाइड कर दिए हैं, डोर विंडो हो गया है। नाउ अप साइड में इसके जो टेरेस है, अगर किसी को टेरेस जाना है तो टेरेस के लिए प्रोवाइडेड है यहाँ से टेरेस भी, यही जो स्टेयर्स है, क्योंकि टेरेस सबके लिए यूजफुल रहेगा, पर्टिकुलर एक फैमिली के लिए नहीं। अगर 4 फैमिली रह रही है यहाँ पे तो 4 फैमिली के लिए यूज़फुल रहेगा, 2 फैमिली रह रही है तो उसके लिए भी ये बिल्कुल यूज़फुल है। यहाँ से आराम से टेरेस जाइए, आप बिल्कुल यूज़ करिए। और अगर पार्टीशन बीच में डालना है तो ये वॉल को एक्सटेंड करके हम यहाँ तक बीच में 2 पार्टीशन भी रख सकते हैं, पर वो नेसेसरी नहीं है। ओके सो फ्रंट व्यू में बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने भी, तो क्योंकि अगर मैं मोस्टली भाड़े पे देना है क्लाइंट को, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया है।
देख सकते हैं गाइस, काफी कूल है इसका डिजाइन, बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन है ये 12x40 के लिए, क्योंकि इसमें आपको वेंटिलेशन पाना बहुत ही मुश्किल होता है। काफी लोग आपके लिए जो डिजाइन करते हैं वो लोग बेडरूम के लिए वेंटिलेशन छोड़ देते हैं और उसमें हमेशा आपको लाइट चालू करनी रखती है या फिर कुछ तो हवा नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम है, या फिर कोई स्मेल हो तो लगते हैं उसमें, फिर आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके गाइस, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आगे मैं कौन से साइज़ के हिसाब से प्लान लेके आऊँ। तो थैंक यू गाइस।